हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी INS अरिहंत से शुक्रवार को सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण बंगाल की खाड़ी से तय सीमा तक के लिए किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पार्टी का प्रोटोकॉल तोड़ा है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की गाइडलाइन के मुताबिक वो किसी भी प्रत्याशी का खोलकर समर्थन नहीं कर सकते। इसके बावजूद गहलोत ने खड़गे के लिए वोट मांगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है। दिल्ली में 5 अक्टूबर को हुए कार्यक्रम में इसमें आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गौतम मौजूद थे। इसी दौरान शपथ ली गई कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को हिंदू धर्म को अपमानित करने की साजिश बताया और कहा कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी है। 4 दिन बाद राजेंद्र गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी को गुजरात चुनाव में नुकसान न हो, इसलिए ये इस्तीफा लिया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग नहीं होगी। वाराणसी के कोर्ट ने इसे छेड़छाड़ करने से मना कर दिया है। वहीं हिंदू पक्ष अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अडानी इंटरप्राइजेस ने ये क्लियर कर दिया है कि वो कर्ज से लदी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की सीमेंट यूनिट नहीं खरीदेंगे। पिछले दिनों रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड से उसकी सीमेंट यूनिट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर एकता कपूर को OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट परोसने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने एकता पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप आज के युवकों के दिमाग को दूषित कर रही हैं। आपकी बनाई वेब सीरीज यूथ को बिगाड़ने का काम कर रही है। बालाजी के एक्स सीनियर एग्जीक्यूटिव जुल्फिकार खान 21 जुलाई 2022 से केन्या में लापता हो गए हैं। 48 साल के जुल्फिकार ने इस साल मई में बालाजी टेलीफिल्म्स के COO की पोस्ट से इस्तीफा दिया था। इसके बाद वो जुलाई में केन्या वेकेशन मनाने के लिए गए थे, लेकिन 21 जुलाई से वो अपनी फैमिली के कांटेक्ट में नहीं है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने इकोनॉमिक पैकेज के ऐलान से पहले वित्त मंत्री क्वासी क्वारंटाइन बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह पूर्व कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट को वित्त मंत्री बनाया गया है। कई दिनों से क्वारंटाइन को इस पद से हटाने की मांग हो रही थी, वो करीब 1 महीने पद पर रहे। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब यहां नॉर्थ कैरोलिना के रेले में फायरिंग की गई। वहीं हमले में एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।